टैक्सील डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स न्यूज़ पार्ट 18। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप आधार कार्ड को पैन के साथ किस प्रकार लिंक कर सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप आधार कार्ड को पैन के साथ लिंक करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। आप आधार कार्ड को पैन के साथ किस प्रकार लिंक कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे दो मेथड दिए गए हैं। पहले तो है प्री लॉगिन, यानी कि बिना लॉगिन किए वेबसाइट पर आप आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, क्विक लिंक्स पे जाना है और आधार कार्ड को लिंक करना है। दूसरा है पोस्ट लॉगिन मोड, यानी कि आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन पर। उसके बाद कंप्यूटर आपसे पूछेगा कि आप आधार कार्ड को पैन के साथ लिंक करें। यदि आपने ऑलरेडी आधार कार्ड को पैन से लिंक कर दिया है तो आप वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना है, माई प्रोफाइल में जाना है और आधार डिटेल्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक लिंक्स के ऊपर लिंक आधार कार्ड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और जो नेम आधार कार्ड में प्रिंटेड है वो यहाँ पे डालना है। यदि आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही आधार कार्ड पे प्रिंटेड है तो यहाँ पे इस ऑप्शन को चेक करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है और लिंक आधार बटन पर क्लिक करना है। आपको यह इंश्योर करना है कि आपका जो नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो पैन में दिया गया है उसको आधार कार्ड के साथ मैच किया जाएगा। आपका जो नेम है जो आधार कार्ड के ऊपर प्रिंटेड है और जो पैन के ऊपर प्रिंटेड है वो सेम होना चाहिए। यदि आपने आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक कर दिया है तो यहाँ पे स्टेटस दिया गया है कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पैन नंबर और आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद आपके आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो पैन के साथ लिंक हो गया है या नहीं हुआ है। आधार कार्ड को लिंक करने के लिए मेरे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होनी चाहिए? आपके पास जो पैन नंबर है वो वैलिड होना चाहिए और एक आधार कार्ड होना चाहिए। इसके ऊपर जो नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो जेंडर दिया गया है वो दोनों के अंदर सेम होना चाहिए, यानी कि मैच होना चाहिए। मैं आधार कार्ड को लिंक नहीं कर पा रहा हूँ और एक एरर आ रही है, आइडेंटिटी डेटा मिसमैच। इसका क्या मतलब है? आपका जो नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर पैन में दिया गया है वो आधार डेटाबेस के साथ मैच किया जाएगा। यदि यह डिटेल मैच नहीं होती है तो आपको एरर आएगी, आइडेंटिटी डेटा मिसमैच। इसका मतलब है कि आपका आधार नंबर पैन के साथ लिंक नहीं किया जाएगा। यदि आपकी पैन के अंदर जो डिटेल दी गई है वो गलत दी गई है तो इसके लिए आपको अपने पैन में डिटेल को सही करना होगा। इसके लिए आपको NSDL के पोर्टल पर जाना है, www.onlineservices.nsdl.com। और यदि आपके पैन के अंदर डिटेल ठीक है लेकिन आधार कार्ड के अंदर डिटेल सही नहीं है तो आपको UIDAI पोर्टल पर जाना है, ssup.uidai.gov.in, और वहाँ पे जाके आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल को सही करना है। यदि मैं आधार को पैन के साथ लिंक कर देता हूँ तो उसके मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? यदि आप एक बार अपने आधार को पैन से लिंक कर देते हैं तो उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरे जो फॉर्म्स हैं उनको ई वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि रिफ़ंड रीइशू की रिक्वेस्ट को या फिर जो ई प्रोसीडिंग की रिक्वेस्ट है उसे भी आप आधार के वन टाइम पासवर्ड के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार ही आप जो हाई सिक्योरिटी वॉल्ट है उसको इनेबल कर सकते हैं आधार बेस्ड वन टाइम पासवर्ड के बेसिस पर। या फिर आप यदि अपना पासवर्ड भूल जाते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट का तो आप उसे रीसेट भी कर सकते हैं यूजिंग आधार बेस्ड OTP। कॉरपोरेट या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में किस व्यक्ति का आधार नंबर पैन से लिंक करना है? यदि कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस केस में कर्ता का आधार नंबर आपको पैन से लिंक करना है, और यदि कोई कॉरपोरेट है तो उस प्रिंसिपल पर्सन का आधार नंबर आपको लिंक करना है जिसको के इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट या फिर फॉर्म्स को फाइल करने के लिए ऑथराइज किया गया है। आधार OTP की वैलिडिटी क्या है? जब आप
आधार को पैन से लिंक करते हैं तो एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। यह आधार ओटीपी 15 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगा और सेम सेशन के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर नॉन कॉरपोरेट एसएससी में मैं किस प्रकार चेक कर सकता हूँ कि मेरा आधार नंबर पैन से लिंक हो गया है? इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन। उसके बाद आपको प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप कर्ता या फिर प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट पर्सन का आधार नंबर जो लिंक किया गया है पैन से उसको चेक कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आधार ओटीपी नहीं मिल रहा है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तो वह क्या कर सकता है? यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस मोबाइल नंबर पर आधार ओटीपी भेजेगी जो कि इसके पास रजिस्टर्ड है। यानी कि जब आपने फर्स्ट टाइम आधार बनवाया था तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया था आधार बनवाते वक्त, उस मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। इस केस में आप UIDAI के हेल्प डेस्क को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1800300-1947। यदि मैंने अपने आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक कर दिया है तो क्या मैं दोबारा उसे डीलिंक कर सकता हूँ, यानी कि क्या उसको हटा सकता हूँ? जी नहीं, यदि आप एक बार अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर देते हैं तो उसके बाद ऐसी कोई ऑप्शन नहीं दी गई है कि अपने आधार कार्ड को डीलिंक कर सकें। मैं ये किस प्रकार चेक कर सकता हूँ कि मेरा आधार कार्ड पैन से लिंक हो गया है? इसके लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहले है प्री लॉगिन ऑप्शन। इसके अंतर्गत आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक लिंक्स पर क्लिक करेंगे और लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नेम जो है एज पर आधार कार्ड वो डालेंगे और उसके बाद लिंक आधार बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो पैन से ऑलरेडी लिंक्ड है, यदि आपने पैन को आधार से लिंक कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है वह है पोस्ट लॉगिन मोड, यानी कि आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएंगे, माय प्रोफाइल पर जाएंगे और आधार डिटेल्स को चेक करेंगे। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। इनकम टैक्स एक्ट पर नई बुक्स मार्केट में रिलीज कर दी गई हैं एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, इनकम टैक्स रूल्स बाय टैक्समैन, इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017 एंड डायरेक्ट टैक्स रेडी रेकनर बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18 and 2018-19 40th एडिशन। इन सभी बुक्स के लिंक इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। यदि आपने हमारी पुरानी इनकम टैक्स न्यूज़ और टिप्स को मिस कर दिया है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। इस चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड न्यूज़, टिप्स और ट्यूटोरियल को रेफ़र कर सकते हैं ताकि आप इनकम टैक्स की इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकें। इनकम टैक्स एक्ट पर फ्री अपडेट के लिए आप हमारे फ्री न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि अभी तक आपने हमारी टैक्सिल की मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसका लिंक भी इस इनकम टैक्स न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनकम टैक्स के डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, गूगल और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट जरूर करें। taxhill.com पर रेगुलरली विजिट करें। थैंक यू।